हाय गाइस, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फेरी स्टार्स विद तोशी। एंड आज जो मैं का जो वीडियो है वो एक प्रोडक्ट रिव्यू है गाइस। और मैं आज ये काया यूथ योर डेली डोज ऑफ यूथ ऑक्सी इन्फ्यूजन माइसलर वाटर का रिव्यू करने वाली हूँ गाइस। ये 2-in-1 प्रोडक्ट है, इसके काफी अच्छा यूज है और इसके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगी। आपको इसको दो तरीके से आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं एंड इसके मतलब काफी फायदे हैं। और काया एक अच्छा ब्रांड है, वेल नोन ब्रांड है, उसको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। गाइज, इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है काया यूथ एंड यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सी इन्फ्यूजन ओके माइसलर वाटर। तो ये एज अ मेकअप रिमूवर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जो कोरियंस होते हैं गाइज वो डबल क्लिंजिंग मेथड यूज करते हैं अपनी स्किन पे, जिससे उनकी जो स्किन होती है वो काफी क्लीन रहती है। और जब आपकी स्किन क्लीन रहेगी तो उसमें एक्ने की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको डार्कनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी स्किन अच्छे से मतलब ग्लो करेगी, अच्छी दिखेगी। पहले तो आप इसको मेकअप जैसे हम लोग रिमूव करते हैं नॉर्मली जैसे माइसलर वाटर से, तो आप इसको उस तरीके से यूज कर सकते हैं। और इसको दूसरा आपको यूज करना है अपने फेस वॉश के पहले, हफ्ते में 2 बार आप अपने फेस वॉश करने से पहले इस माइसलर वाटर से या किसी भी माइसलर वाटर से आप अपने पहले फेस को क्लीन कर लीजिए, जैसे आप मेकअप रिमूव करते हैं लाइक उसी तरीके से कॉटन पैड में लेके कर सकते हैं। और या फिर इसको आप डायरेक्टली भी अपने फेस पे स्प्रे करके अपने फेस को क्लेंस कर सकते हैं। इसकी कुछ इनर पैकेजिंग इस तरीके की है। ठीक है, और इस पे सब कुछ दिया हुआ है कि इसमें देख सकते हैं आप सारे इंग्रेडिएंट भी मेंशन हैं। ठीक है, और इसमें मुझे कहीं भी पैराफिन वगैरह कुछ भी इसमें नहीं है ऐसा जो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो। और इसका जो प्राइस है वो 199 रुपीज इसकी एमआरपी है, बट ये मुझे सेल में लगभग 135 रुपीज की मिल गई थी ये बॉटल। सो ये कुछ इस तरीके का है। और इसकी मैं शेल्फ लाइफ आपको बता देती हूँ, इसकी शेल्फ लाइफ 2021 तक है। ठीक है, तो अच्छे खासा उन्हें मतलब 2 साल तक 3 साल तक आराम। तो गाइज, ये है काया का यूथ और इन्फ्यूजन माइसलर वाटर है ये, और बाकी सब चीज़ें मैं इसके बारे में आपको बता ही चुकी हूँ। और अब आपको मैं इसका मैं टेस्ट करके बताना था मुझे, और तो वो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ये देख लीजिए, इसमें बॉटल में मैं इसको क्लोजर लुक के लिए आपको इस तरीके से इसका रिव्यू कर रही हूँ। इन्ग्रीडियंट्स वगैरह सब इसमें मेंशन है और पूरे इन्ग्रीडियंट्स में आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, अगर कैमरा पिक कर रहा है क्योंकि दिख भी रहा है ठीक से। तो इसमें कुछ भी कहीं भी पैराबिन वगैरह मुझे, तो मैं इसको देख लीजिए, मैं इतना फिनिश कर चुकी हूँ और इसी को मैं यूज करती हूँ अपना मेकअप रिमूव करने के लिए। तो ये स्ट्रे कुर्की का आईलाइनर है जो कि स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, बिल्कुल कहीं भी नहीं जाता है जब तक आप अच्छे से इसको रिमूव ना कर दें। ये मैं देखिए थोड़ा सा जल गई हूँ एंड आपको मैं दिखा देती हूँ, ये सब बॉटल शेक कर लेती हूँ, थोड़ा सा वाटरी रहता है फिर। ये मैं लाइनर लगा ले रही हूँ, अब इसको मैं थोड़ा सा ड्राई होने दूंगी, ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है तब मैं वापस मिलती हूँ। ये देखिए गाइस, ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है और मैं इसको देख लीजिए स्मच कर रही हूँ, कहीं भी नहीं जा रहा, ये देखिए। ठीक है, तो ये वाटर प्रूफ भी है, स्मच प्रूफ भी है। और अब मैं इसको आपको इससे रिमूव करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो हम लोग आइस पे जब रखते हैं तो इस तरीके से रखते हैं, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करते हैं हल्के हाथों से जेंटली, एंड देन हम इसको ऐसे रिमूव करते हैं। ये देखिए रिमूव होने लगा। तो ये वाटर प्रूफ मेकअप को ये देखिए बहुत ही हल्के हाथों से मैं कर रही हूँ और ये बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है, इसलिए मुझे ये माइसलर वाटर बहुत ज्यादा पसंद आया है। ये देखिए
बिल्कुल रिमूव हो गया, और इसके बाद अब मुझे और कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। काफी अच्छा ये माइसलर वाटर है और आपको जरूर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने इसको आई थिंक 135 रुपीज में ही लिया था, जो कि काफी काम का भी है और अच्छा ब्रांड भी है, और मुझे ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है। आपको पूरा टेस्ट करके यूज करके तब बता रही हूँ। आईज वगैरह पे कोई इरिटेशन नहीं देता है, क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है गाइज और मैं हर चीजें यूज नहीं कर पाती हूँ, फिर भी ये मतलब मेरे आईज वगैरह पे नहीं लग रहा था और बहुत अच्छा वर्क किया था, आराम से चल जाएगा। एंड इसको डायरेक्टली भी आप स्प्रे इस तरीके से कर सकते हैं। एंड आप अगर अपना स्किन क्लेंस करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसको ऐसे फेस पे स्प्रे कीजिए, एंड किसी भी कॉटन पैड से आप उसको वैसे से रिमूव कर लीजिए, मतलब क्लीन कर लीजिए, और आप देखेंगे कि आपकी स्किन काफी क्लीन हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने नॉर्मल फेस वॉश, कोई भी फेस वॉश जो भी आप यूज करते हो, उससे आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए, देन आपकी जो स्किन है वो काफी क्लीन हो जाएगी, हाइड्रेटेड हो जाएगी, एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी फेस पे। तो अगर आप चाहते हैं अपने फेस को क्लीन करना, तो आप प्लीज डबल क्लींजिंग मेथड जरूर यूज करिए, और यूज करके मुझे बताइएगा कि आपको कितना फायदा मिला। क्योंकि जब हमारे स्किन पे डर्ट होती है और गंदगी जितनी भी रहती है, उसकी वजह से हमें एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम आ ही जाती है। सो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो एंड रिव्यू? बहुत ही क्विक रिव्यू था, बहुत ही जल्दी मैंने किया, एंड आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। चलिए फिर हम लोग चलते हैं, बाय बाय।